गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन सा मंत्री कौन से पद पर है, उसी से रिलेटेड है। तो ये एक रिवीजन टेस्ट है, तो शुरू करते हैं। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो भारत का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, यानी कि वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सभी कमेंट करके आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हैं वो भारत के रक्षा मंत्री हैं, और 2014 में जो है ये पहले क्या थे, गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और इसी के साथ अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो कौन थे, सरदार बलदेव, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, भारत का गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, गृह मंत्री किसे बनाया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि गृह मंत्री जो है वो वर्तमान में कौन है, अमित शाह। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री वो कौन थे, किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसे दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर, सभी इसका आंसर बताइए, कमेंट करके सभी इसका आंसर बताइए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि नितिन गडकरी जी को ये जो है मंत्रालय सौंपा गया है। तो याद रख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसको दिया गया है? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन है हमारा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसको दिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो सभी को इसके आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सदानंद गौड़ा जी को जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि निर्मला सीतारमण जी को जो है वित्त मंत्रालय सौंपा गया है और कॉरपोरेट मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये पहली महिला है जो स्वतंत्र रूप से जो है भारत की वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले इंदिरा गांधी भी अपने कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुकी है, उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला, लेकिन उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला। तो ये यहाँ पर पहली महिला है भारत की जो वित्त मंत्री बनी स्वतंत्र रूप से, तो याद रख लेंगे आप। और इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि जो है भारत के फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रख लेंगे आप, कौन थे, आर के शणमुखम शेट्टी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ भी सकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो सभी को आने चाहिए ये क्वेश्चन। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है, आंसर बताइए सभी कमेंट करके। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि रामविलास पासवान को जो है ये मंत्रालय सौंपा गया है, याद रख लेंगे आप सभी, रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो सभी जो है कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय जो है उसका केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो सभी को इसका आंसर बताना है, कमेंट करके बताइए। कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो सभी आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि रविशंकर प्रसाद, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि हरसिमरत कौर बादल, याद रखेंगे आप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का नया विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो भारत में जो है विदेश मंत्री कौन है आपको बताना है। तो कौन है भारत के विदेश मंत्री, कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, सभी के सभी लड्डू से सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि एस जयशंकर जी को जो है भारत का विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो किसे बनाया गया है, आप आंसर बताइए इसका। सभी कमेंट करके आंसर बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से एक आधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इम्पोर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक, याद रख लेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय किसे दिया गया है? आपको बताना है यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो सभी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर, यानी कि थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? आपको आंसर बताना है यहाँ पर, आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो सभी जो है इसका आंसर बताइए कमेंट करके। तो आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अर्जुन मुंडा जी को, याद रखेंगे आप, आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर है। स्मृति ईरानी जी को महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी भू विज्ञान मंत्रालय किसके पास? क्वेश्चन है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी भू विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? तो सभी को इसका आंसर बताना है, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। तो ये मंत्रालय किसके पास है? बिल्कुल इन सभी का मंत्रालय जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसे दिया गया है? आपको इसका आंसर बताना है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसे दिया गया है? तो इसका आंसर बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि पीयूष गोयल जी को जो है ये मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय किसे दिया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए सभी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संसदीय मामले कोयला और खान मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय मामले कोयले और खान मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रहलाद जोशी, याद रखेंगे आप प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसे दिया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि अरविंद सावंत, याद रखेंगे आप अरविंद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर बताइए सभी, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? तो आपको बताना है, जल शक्ति मंत्रालय जो है वो किसे दिया गया है? तो सभी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।